हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन साड़गांवकर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर कैनरा बैंक पीओ 2018। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि आपके सेक्शंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, आपके सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, देन लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, किस रेंज में था, तो उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट कितने होंगे, देन इंग्लिश में कौन सा डिफ़िकल्ट पार्ट होने वाला है, और ऐसे कौन से फोकस्ड एरिया जिस पे आपको बराबर ध्यान रखना है जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक देखे रखी है कि मैंने एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर किए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ऑर्डर ऑफ सेक्शंस। अभी देखो, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए आपको, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स ईच सेक्शन। अभी देखो, जनरल पैटर्न क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। जीए, जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ्स, ठीक है, ये प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर है, बहुत सारों ने कहा है, मैंने खुद भी कहा है। लेकिन एक चीज़ वेरी हॉनेस्टली मैं आपको पूछता हूँ, जनरल अवेयरनेस प्रॉब्लम ये नहीं है 15-20 मिनट में ख़त्म करोगे, कितने आएंगे आपको, मैं हॉनेस्टली पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो, रीजनिंग में 50 में से 50 मिला, लेकिन जीके में अगर आपको 4 भी नहीं मिले तो सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। कहने का पॉइंट कि आपने जो प्रिपरेशन किया है उसमें ज़रा सोचो। देखो, जीए में कैलकुलेशन करना नहीं, फटाफट क्लिक कर निकल जाए, लेकिन फटाफट क्लिक करने के लिए आपके पास जवाब होने चाहिए, ठीक है। 50 में से 30 करते और आप बोलते हो 22-24 आएगा, तो कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन वो 30 में ही आपको 10-12-15 में डाउट है, तो थोड़ा सा कट टू कट होगा। तो देखो, आप अगर 2 घंटे यानी 120 मिनट का अगर सेग्रीगेशन करूं, जीके का मैं करूं तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। आप वैसे भी कोई 50 नहीं करने वाला, मेरे सबसे करना भी मत, तो 35-40 सेफ अटेम्प्ट रहेगा जो आप करोगे। देन अगर इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश आपको लगभग अगर मान लो कि 25 मिनट दिए, ठीक है, तो 25-40 मिनट हो गए, ठीक है, तो 140 80 मिनट बचे। अब ये 80 मिनट में दो चीज़ें हो सकती है, 40-40 मिनट दो रीजनिंग मैथ्स को, या किसी को 5 मिनट ऊपर नीचे करो, ठीक है। देखो, मैं आपको लाइक मशीन क्यों नहीं दे रहा हूँ कि 40 मिनट में ये ख़त्म करो, 20 मिनट में ये ख़त्म करो, मैं उस तरीके से एडवाइस नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब क्वेश्चन रोकेगा, ठीक है, इसीलिए तो एग्ज़ाम्स बने, तो वो टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ जीए और इंग्लिश का मैं आपको पहले बता दिया कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। और दूसरा एक ऑर्डर एक अटेम्प्ट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कैसे करते हैं, जैसे मैंने खुद किया था, क्योंकि मैं हॉनेस्टली रीजनिंग और जीए मुझे चॉइस दो, मैं पहले रीजनिंग करूँगा। क्यों पता है? रीजनिंग में मैं सोचूंगा नहीं करते वक्त, पता है क्या करना है। जीके में कुछ कर ही नहीं सकता ना, पता नहीं है तो प्लस गया, -2 गया, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कैसे करता था, मैं रीजनिंग करता था, ठीक है, फिर इंग्लिश, ओके, देन मैथ्स, देन जीके। अब काफ़ी उल्टा पुल्टा मैंने किया है इसमें। अब ये चीज़ मेरे लिए क्लिक क्यों हुई, वेरी हॉनेस्टली बोलूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कैसे जाएगी, मैं रुकूंगा नहीं इन सेक्शंस में, रुकूंगा नहीं, इन द सेंस नहीं आता था मूव ऑन सॉल्व करने के बाद। इंग्लिश में अपने वीक एरियाज जानता हूँ, स्ट्रॉन्ग एरियाज भी जानता हूँ, मैथ्स में अपने मेनली स्ट्रेन जोन जानता हूँ, तो उस तरीके से तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ वो। कहीं ना कहीं आपको अगर आपको जीके ही करना चाहिए तो डेफिनेटली गो अहेड, ठीक है, लेकिन फटाफट माइंड अप करके आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट सोचना मत उसमें दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट था सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट दोस्तों, मैं अगर बात करूँ, और मैं तीसरा पॉइंट भी कवर अप करता हूँ कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था। लास्ट ईयर का कट ऑफ था, अगर मैं सारे कैटेगरीज एससी, ओबीसी, जनरल को मिक्सअप करूँ, तो 1995 से लेके 116 तक था, 116 जनरल वालों के लिए था, बाकी लोगों के 5-7 मार्क्स कटे, मतलब इस रेंज में ये मार्क्स थे। अब सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आप 140 से 145, मतलब 150 तक, यहाँ तक अच्छे से रहते हो विथ 95% एक्यूरेसी ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा चांस है, ठीक है, या फिर 90% एक्यूरेसी का, क्योंकि आप, क्योंकि मैं इस जो अटेम्प्ट जो हुए और कट ऑफ जो निकला लास्ट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 200 में से 200 एकदम सोचना मत, तो फिर डर लगेगा। और सेक्शन में मैंने हमेशा का एक्यूरेसी बना के चलना, और जो आपका सबसे स्ट्रेंथ जोन वाला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ 70-75% मत निकालो, उसमें पूरा 95% लेके जाओ, स्पीड बढ़ाओ आप लोग,
स्पीड बढ़ाओ, बस मान लो रीजनिंग आपकी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है तो 40 है ना, 45 निकाल के बताओ उसमें मार्क्स, ठीक है 45 निकालो, 47 निकालो, एकदम क्लोज लो, ताकि वो सेक्शन आपका ना बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। देखो याद रखना, डिफ़िकल्ट जो सेक्शन होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, आप इजी सेक्शन में कितना अचीव करते हो क्योंकि वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, तो उस हिसाब से आपके सेव टाइम 140 तक, 140 से लेके 150 तक होने चाहिए। देन अब एक ज़रूरी पॉइंट, हैंडल इंग्लिश प्रॉपरली। देखो दोस्तों, इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी बदलता नज़र आ रहा है, जिन्होंने एग्ज़ाम्स पहले दे चुके वो लोग ज़रूर समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। काफ़ी न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, और जो पहली दफ़ा ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बताऊँ कि ठीक है आपने सिलेबस वगैरह पढ़ लिया, बट क्लोज टेस्ट वगैरह नए पैटर्न में आने लगे तो उसके लिए तैयार रहना। RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज कह सकते हो, वो भी काफ़ी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के आ रहे हैं, मतलब स्टोरी बेस्ड तो नहीं है और PO में मुझे नहीं लगता वो आएंगे। इनका क्या करें, देखो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भर भर के क्वेश्चन आएंगे, मुझे तो 2 RC एक्सपेक्टेड है। अब मज़ेदार बात ये होगी, वो 2 RC 10-10 मार्क के आएंगे, 20 मार्क करके या 16-18-15 मार्क्स तक वो आएंगे। देखो इन चैप्टर्स में, इन सेक्शंस में ना ज़रा ध्यान से खेलना, वरना आप ज़्यादा अटेम्प्ट की कोशिश में ना सब निगेटिव करके आ जाओगे। और जैसे मैंने कहा था मैंने पिछले वीडियो में, मुझे इंग्लिश डिफिकल्ट किया तो मैंने क्या किया, सेफ गेम किया, सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया और आगे बढ़ा, और रीजनिंग में मैंने 47 निकाल दिए 50 में से, ऐसे कुछ मेरे मार्क्स थे। तो इंग्लिश को ज़रा ध्यान से देना और संभल के खेलना, डरना मत, एक सेक्शन बुरा गया तो कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ सिर्फ क्लियर करके आगे पढ़ो, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन DI एंड द रीजनिंग मोस्ट, ओके। देखो मैथ्स की बात करो, DI भर भर के आएगा, देखो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक तो आप कमा ही लोगे, मैं मतलब करा, लेकिन DI पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि DI 3 तो मिनिमम आएंगे, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ 4 आ जाए, मतलब 50 मार्क का सेक्शन है यार, तो आप सोचो उन लोग को भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देने पड़ेंगे ना, तो DI पे फोकस अच्छे से करो। अगर मान लो 4 DI आते हैं 5-5 मार्क के, तो 20 मार्क्स का है, कोशिश करो 17-18 मार्क्स लेके जाओ, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए ऐसे मैं समझ के चल रहा हूँ, बट लेके जाओ, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना, फटाफट आंसर्स निकालना। रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे बड़ा टॉपिक द बिग डैडी, दैट इज़ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, सर्कुलर पजल, देन मंथ बेस पजल, ऐसा लग रहा है मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना, बट ये सब पजल आजकल आने लगे, काफ़ी पॉपुलर हैं, जिन्होंने हाल ही में IBPS क्लर्क प्रीलिम्स दिया है वो बखूबी से जानते हैं, ये सारे पजल आजकल बहुत आ रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो भी आ जाए, टुमारो थोड़ा हायर वर्जन में आ जाए, क्योंकि ये PO का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और मेरा पर्पज़ क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको रूबरू कर दूँ क्या होने वाला है, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट के लिए तैयार रहना। देखो एक मंत्र याद रखो, आप डिफ़िकल्ट के लिए प्रिपेयर रहते हो ना, और मान लो ये लेवल यानी इजी लेवल का पेपर आया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इजी लेवल का प्रिपेयर किया और डिफ़िकल्ट लेवल का आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ बी रेडी फॉर द न्यू सरप्राइजेस, ठीक है। और रिलैक्स है ना, एक दिन पहले आपने प्रिपरेशन बहुत किया, बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए, कुछ आपके चैप्टर जो स्ट्रेन भी है, भरोसा रोको वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, गो फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।